हम लोग जो है क्लास 9 से सब्जेक्ट केमिस्ट्री में वीडियो क्लिप 6 के माध्यम से एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, दोनों में क्या संबंध होता है। तो टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल जो होता है इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल जो है इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273 के इक्विवेलेंट होता है। नोट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बच्चा दोनों इस नोट को समझ जाएगा उसको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों नोट को नोट जाइएगा, अर्थात याद कर जाइएगा हर हाल में, क्योंकि इसी दोनों नोट पर ही हम लोग कन्वर्टिंग सीखेंगे केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। तो पहला नोट देखिए क्या है, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, बदलेंगे टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में। इसके लिए बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू ऐड, हम लोग जोड़ते हैं, वी हैव टू ऐड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर। कंसेप्ट क्लियर है, क्या करना है, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू द केल्विन स्केल वी हैव टू ऐड 273 टू द सेल्सियस टेम्परेचर, जोड़ना है सेल्सियस टेम्परेचर में 273 को। और यहां समझ, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू द सेल्सियस, अब उल्टा हो गया, पहले था सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना, अब दे रहा है कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू द सेल्सियस स्केल। तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, वहां क्या कर रहे थे, वी हैव टू ऐड, अब यहां वो करना है वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द केल्विन टेम्परेचर। अभी कैसे सब्ट्रैक्ट होगा और ऐड होगा, आइए हम लोग एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ, ये जो है आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ, गिवन टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल, यानी जो ये जो गिवन टेम्परेचर जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है इसको हमको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग तो रिलेशन में फॉर्मूला सीख चुके हैं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। हम लोग ये भी जानते हैं कि सेल्सियस से अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या चीज ऐड करते हैं, तो 273। तो गिवन टेम्परेचर आपका 25 है और 273 तो है ही, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ये 298 केल्विन में ये सेल्सियस क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि कन्वर्ट, अब उल्टा दिया है, यहाँ था गिवन टेम्परेचर आपका सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट करना था, अब केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। तो कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, ये गिवन टेम्परेचर आपका किस में है, केल्विन में, केल्विन में दिया हुआ है, चेंज किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है, टू द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला तो हम लोग के पास वही है कि टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। अब देखिए केल्विन स्केल का टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है 300, तो केल्विन के नीचे सेल्सियस का वैल्यू हमको पता तो है नहीं और 273 गिवन है। अब टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल को हमको फाइंड करना है, तो 300 में से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को इसको राइट साइड में ले लेंगे, सबट्रैक्ट करा देंगे, तो आपका 27 डिग्री सेल्सियस जो है आपका सेल्सियस में आ जाएगा आंसर। यही आपका होमवर्क है, घर से आप लोग होमवर्क में इसको खूब बढ़िया तरीके से टू अंडरस्टैंड कर देंगे, या जिनके पास बुक होगा तो फाइंडिंग करने का क्वेश्चन दिया होगा सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू सेल्सियस, उसको आप लोग बना लेंगे। दैट्स ऑल, विद थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।